एनसीपी के दो गुट बन गए, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट। वहीं गोंदिया जिले में जब अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का दबदबा था, तब भी शरद पवार गुट ने अपने गढ़ में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। रोहित पवार और अनिल देशमुख अगले कुछ दिनों में गोंदिया भी जाएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष बजरंग परिहार की उपस्थिति में गोंदिया में एक भव्य कैडर मीटिंग और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बजरंग परिहार ने कहा कि एनसीपी सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए है और सभी नेता अब चले गए हैं, अब एनसीपी कार्यकर्ताओं के लिए है। उन्होंने घोषणा की कि कार्यकर्ता पूरे विधानसभा, लोकसभा और निकट भविष्य में होने वाले विभिन्न चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है, वो बाले किला और जिला ये किसी का नहीं रहता। जिला और किला हमेशा कार्यकर्ताओं का रहता है। कार्यकर्ता समय समय पर अपना अपने हिसाब से, नेता के काम करने के हिसाब से, नेता की विश्वसनीयता के हिसाब से, नेता की कामगिरी के हिसाब से नेता बदलते रहते हैं। कार्यकर्ता कहाँ बदलता है? कार्यकर्ता का बाले किला जहाँ उसका स्थायी निवास है, उसका विधानसभा क्षेत्र है, वो कार्यकर्ताओं का बाले किला रहता है। विधानसभा के असेंबली के समय यहाँ पर गोंदिया जिले में अपने शरद पवार साहब का कार्यक्रम है, यहाँ जाहिर सभा होगी। उसके पहले अभी 10 से 12 दिनों के अंदर में अनिल देशमुख साहब और रोहित पवार साहब यहाँ का दौरा करेंगे। रोहित पवार साहब यहाँ के प्रभारी भी है विशेष रूप से गोंदिया और भंडारा जिले के, इसलिए वो और अनिल देशमुख साहब बहुत ही जल्द 15 से 17 दिनों के बीच में यहाँ पर दौरा करेंगे। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।